तक स्नो हो ही रहा है, रात भर स्नो हुई और अभी भी हो रही है, स्नो स्नो डे। कितने सारे फुट स्टेप हैं यहाँ से लोग गए होंगे, और ये छोटे 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 जो फुट स्टेप दिख रहे थे, ये छोटे वाले छोटे 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 वो सब डॉग्स के हैं। जिनके पास डॉग्स हैं उनको तो बाहर निकलना ही पड़ता है। क्या हो रहा है देखो, फ्रेश फ्रेश स्नो आते ये बदमाशी शुरू। अभी भी गिर रहा है स्नो, बाहर ठंडा, बाहर चले जाएंगे हम तो, बाहर ही तो कर रहे हैं। देखो वहां पे स्नो क्लीन कर रहा है। चलो चलो नीचे चलो वॉक करने। अभी हम लोग घर में बैठे बैठे अच्छा नहीं लग रहा था, हम लोग बाहर आए हैं, थोड़ा सा वॉक करेंगे, बट अभी तो स्नो हो ही रहा है, धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा वॉक करेंगे। देखिए कितना ज़्यादा स्नो हो के रखा है। बट यहाँ पे ये लोग क्लीन कर देते हैं, यहाँ पे ये अच्छा होता है। और मेन वहीं पे गिर रहा है। थोड़ा थोड़ा वॉक करना चाहिए, तभी इम्यूनिटी भी डेवलप होगा यहाँ रहने के लिए, वरना बार बार जब बाहर निकलो तब तो बीमार पड़ो। देखो कितना ऊंचा है स्नो यहाँ पे, जो भी गिरा हुआ है यहाँ बहुत सारा हुआ पर रात भर। अभी वैसा नहीं हो रहा, अभी दाना दाना वाला हो रहा, छोटा छोटा आइस वाला आइस आइस आइस। और मेरे बाल भी आइस आइस आइस। मजा आ गया वॉक करके थोड़ा थोड़ा, है ना। लंच करके आते तो और मजा आता। आ जाओ सो जाते, फिर तेज भी हो जाती था ना। हाँ ठीक है, अभी तो स्नो नहीं है उतना। जा केयरफुल, ये डॉगों का है। पाओ पाओ। अब जल्दी जल्दी घर में भाग लेंगे वरना फ्रॉस्ट बाइट हो जाएगा। और ये तो लग रहा है बरसात, नदी बन गया है। ये तो पूरा रिवर रिवर रिवर। नहीं नहीं जाएगी नहीं, अब चलो जाओ, अब बस केयरफुल रहना, कितना ज्यादा है। ये वॉक करना है हम लोग की खेला करने, उधर नहीं उधर स्लिपरी है। वाह वाह वाह, चल चल के अपना नाम भी लिख लेते हैं। अब आगे देखो पूरा आइस है ना, स्लिप करेगा। हाँ फेंको, ओ कहाँ गया पता भी नहीं चला। पिंकी पिंकी नोज। Thank you.
किधर उधर किधर हाँ इधर बाहर निकल जाए सच से कहाँ पैर अंदर जाकर पता ही नहीं टच नहीं करना टच करने के लिए वो ग्लास लेना था आई चल ये सब सब यहाँ पे रोड से हटा कर यहाँ पे स्टॉक अप हो गया है वो रोड स्लिपरी है ना इसलिए हम आज पास आ रहे हैं ये रोड स्लिपरी नहीं है लग रहा था रोड स्लिपरी है हाँ पता भी नहीं चलेगा कहाँ पे चलो धीरे धीरे हाँ आपका तो सूज है आपका तो गीला पीला सब हो गया बूट में फिर भी आराम रहता है सबसे बेस्ट चीज है ये इसका ये क्रिसमस ट्री सारे सूखे सूखे पेड़ इतने सुंदर हो गए हैं व्हाइट 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 सब जगह उजाला ही उजाला है और पीछे वो इतना हल्ला कर रहा है बैकग्राउंड में वो जाएगा तब ना कुछ बदमाशी कौन कर रहा है देखो कितना डीप है बोलो तो आपका मस्त ऑरेंज ऑरेंज साइन कर रहा है ये तो लग रहा है व्हाइट व्हाइट फ्लावर हो गया इसमें आ गए हम लोग घर अब जा रहे लंच करने चलिए देखते हैं लंच में क्या क्या बना है आज लंच में क्या क्या बना है आज लाइट ऑन ये है मशरूम करी उसमें क्या है दाल ना स्पिनच वाला दाल राइस और किसी के जिम में कुछ है जो भी बनने वाला है चलो चलो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करो डिनर की तैयारी कर रही हूँ डिनर में हम लोग प्रॉपर रोटी सब्जी थोड़ा हेवी नहीं खाते हम लोग लाइट ही लेते हैं तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ पोटैटो ऑमलेट इसके लिए सबसे पहले हम लोग पोटैटो को पील करके छोटे छोटे कट कर लेंगे जैसे यहाँ पे मैंने कट किए हुए हैं फिर उसे हम लोग फ्राई करके अच्छे से कुक कर लेंगे मोर देन 90% हम लोग कुक कर लेंगे और यहाँ पर पोटैटो को फ्राई करने टाइम हम लोग थोड़ा सा सॉल्ट ऐड कर देंगे पोटैटो में जब पोटैटो अच्छे से फ्राई हो जाए तो उसे हम लोग एक प्लेट में निकाल लेंगे नेक्स्ट हम लोग एक एग को क्रैक कर लेंगे उसके बाद हम लोग इसमें जो फ्राई किए हुए आलू थे वो ऐड करेंगे और साथ में मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ टर्मरिक पाउडर एंड ग्रीन चिली और थोड़ा सा सॉल्ट पिंच ऑफ सॉल्ट उसके बाद मैं फॉक के हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी सब चीज़ को आप चाहे तो यहाँ पे कुछ ग्रीन वेजिटेबल्स ऐड करना चाहें तो आप वो भी ऐड कर सकते हैं लाइक कैप्सिकम एंड स्पिनच एनीथिंग तो यहाँ पर मेरा पोटैटो ऑमलेट बनाने के लिए ये मिक्सचर रेडी हो चुका है अब हम लोग इसे साइड कर देंगे और एक पैन को हीट कर लेंगे पैन हीट होने के बाद यहाँ पर हम लोग 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे अच्छे से उसे पूरे पैन में स्प्रेड कर लेंगे उसके बाद जो हम लोग मिक्सचर बनाए थे उसे हम लोग यहाँ पर डाल देंगे मिक्सचर को यूनिफॉर्मली एक स्पून के हेल्प से स्प्रेड कर लेंगे तवे पर और बस इसे हम लोग को गोल्डन ब्राउन होने तक दोनों साइड से गोल्डन ब्राउन होने तक हम लोग को इसे कुक कर लेना है अगर तवा अच्छे से गर्म रहेगा तो 2-3 मिनट्स में ये नीचे से गोल्डन ब्राउन करेगा हो जाएगा तो फिर हम लोग इसे पलट देंगे
फ्लिप करने के बाद हम लोग दूसरे साइड से भी इसे 2-3 मिनट्स तक कुक कर लेंगे अच्छे से। पोटैटो तो हमारा पहले से कुक किया हुआ है, इसलिए वो उसे कुक करने के लिए कोई अलग से मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। तो यहाँ पे पोटैटो ऑमलेट बनकर रेडी है, अब आप इसे केचप के साथ एंजॉय कर सकते हैं। चोरी चोरी हो रहा है अकेले अकेले। हम बहुत भारी है वो। तो आज का ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर आज का ब्लॉग आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर करें, लाइक करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।